आप सभी को राधे राधे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बांके बिहारी और राधा जी की मूर्ति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले साल हमारे चाचा श्री ने उनकी शादी करवाई थी और इसी साल हम उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देख सकते थे आप कि यहाँ सोने का मंगलसूत्र रखा हुआ है और जितने भी भक्त आ रहे हैं वो यहाँ पे उनको भोग लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा के जा रहे हैं। अभी मेरी मम्मी भी आपको दिखेंगी। तो बहुत अच्छा, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। और देखिए ये मेरी मम्मी खड़ी हैं, ये मेरी चाची हैं और फिर मम्मी भोग भी लगा रही है। और यहाँ पे इतने सारे केक बनाए थे, पकवान भी बनाए थे। और उसी के जस्ट अगले दिन उन्होंने कलश यात्रा निकलवाई थी। कलश यात्रा के बाद में भागवत गीता का पाठ भी हुआ था जो काफ़ी दिन चला था। यहाँ पे आप सभी महिलाओं को देख सकते हैं, वो अपनी कुमाऊनी ड्रेस में आई हुई हैं, मेरी मम्मी भी हैं। और यहाँ पे नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है, सब यहाँ पर खुशी से झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और अभी आप कुछ देर में देखेंगे यहाँ से भव्य कलश यात्रा निकलेगी। ने अभी देखा कि महिलाओं ने कितना आनंद लिया इस पल का। और यहाँ पे मेरी मम्मी घर से पूरा सज कर आई थी और जो मटकी आपको देख रही है कलश की, वो भी मम्मी ने अपने घर पे ही सजाई हुई थी। और यहाँ पे सभी औरतें अब निकल रही हैं और हम इसके बाद जल भरने के लिए अपने निवास स्थल पर, एक शिव मंदिर है वहाँ तक हम पैदल पैदल गए थे। लोगों ने कई सारी वीडियोज बनाई थी और सब लोग देख भी रहे थे कि कैसी कलश यात्रा निकल रही है और लोग हमें बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे। और ये हमारे चाचा श्री हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आगे हमारे साथ बने रहिएगा व्लॉग में, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में वो लोग रुकवा के डांस भी कर रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। तो आगे बने रहिए, फिर मैं आपको बताती रहूँगी कि आगे क्या क्या हुआ। सभी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नृत्य कर रही हैं, सब अपनी चिंताओं को भुलाकर इस पल का बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। और सभी अपने पारंपरिक पोशाक में हैं, पिछौड़ा और बड़ी वाली नथ जो कुमाऊं में चलती है, और सब बहुत इस पल का आनंद ले रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और ये अब हम मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, ये तब का दृश्य है बहुत ही, और ये मैं हूँ, बहुत ही मनोहर दृश्य है मंदिर के अंदर का। आप अभी देखिएगा, अभी ताला नहीं खुला, जब ताला खुलेगा तब आप देखेंगे मंदिर का बहुत मनोहर दृश्य था।
मंदिर का दृश्य है। यहाँ पे जो पंडित जी आए थे वो वृंदावन से ही आए थे, फिर उसके बाद सभी ने यहाँ शिव जी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर यहाँ पे जल भरने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। सब जो महिलाएं थी वो एक दूसरे के कलश में जल भरकर उन्हें दे रही थी ताकि वो जल हम जब घर वापस ले जा सकें तो उसका इस्तेमाल पूजा में कर सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जल भरने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। वक्त हो गया है हमारे यहाँ पर भागवत कथा होने वाली है वहाँ पर जाने का। सभी जो महिलाएं थी उन्होंने अपना कलश जल से भर लिया है, अब हम वहीं के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे चाचा हैं और पीछे हमारी सारी महिलाएं चल रही है, मेरी मम्मी हैं और वो बगल से उनके ताई थी। ढोल नगाड़ों के साथ जैसे हम गए थे वैसे हम वापस भी आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सब लोगों ने पीले कलर के वस्त्र पहने हैं, पीले लाल और इसी कलर में सबके वस्त्र हैं। और आप आगे का चीज भी इंजॉय कीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे थोड़े फोटोज़ क्लिक करा रहे थे और देख सकते हैं फिर यहीं पे अभी भागवत शुरू होनी है। आप आगे देखेंगे कि भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कितने मनोहर भजन चल रहे हैं यहाँ पे। देखा कि कैसे कलश यात्रा निकली, कलश यात्रा समाप्त हुई और भगवान राधा कृष्ण जी को भी देखा आपने। और अभी से यहाँ से भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही आगे मनोरंजन ब्लॉग्स देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।